ये है एक बीएलडीसी फैन। आज हम बात करने वाले बीएलडीसी फैन के फायदे के बारे में एंड ये भी बताएंगे कैसे ये आपके घर के बिजली के बिल आधा कर सकता है। ये है बजाज के एनर्गॉन 26 वाट बीएलडीसी फैन जो कि हमने रिसेंटली हमारे घर पे इंस्टॉल करवाए। इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 3800 के आसपास एंड ये भी बताएंगे इस प्राइस में और क्या अच्छा बीएलडीसी फैन आपको मिल सकता है। फिलहाल ओवरऑल बीएलडीसी फैन के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। देखो, लोगों को मालूम है कि बीएलडीसी फैन बहुत ही कम एनर्जी कंजम्पशन करता है, फिर भी लोग अपने पुराने फैन को रिप्लेस करके बीएलडीसी फैन नहीं लगवा रहे क्योंकि लोग हिसाब नहीं कर रहे। आज मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना, आप इसको देखने के बाद अपने सारे पुराने फैंस को हटा के बीएलडीसी फैन लगवाने वाले हो। सो देखो, जो ट्रेडिशनल फैन है ना वो करीब करीब 75 वाट के होते हैं। आजकल के फैन के बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं बात कर रहा हूं 5-6 साल पुराने जो फैन है या फिर उससे ज्यादा जो पुराने फैन है वो करीब करीब 75 वाट के आते थे, जो फुल स्पीड में 75 वाट का कंजम्पशन होता था। फिलहाल के जो फैन है वो करीब 55 से 65 वाटेज के अंदर आते हैं। ओके, सो लेट्स से आपके पास अभी जो फैन है वो 75 वाट का है एंड इसे आप डेली 16 आवर्स के लिए चलाते हो। ओके, सो अगर आप किलो वाट आवर यानी यूनिट पर डे कैलकुलेट करोगे ना तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला में डालना पड़ेगा वाट इंटू आवर बाय 1000। 1.2 यूनिट पर डे एक फैन 75 वाट का कंजम्पशन करता है एंड आपके एरिया में लेस से यूनिट है 8 रुपए का, जैसे मेरे एरिया में है, आपके एरिया में 6 रुपए भी हो सकता है, 9 रुपए भी हो सकता है। इसी हिसाब से अगर आप टोटल प्राइस पर डे कैलकुलेट करोगे तो सिंपल आपको ये दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9.6 रुपीस पर डे एक ट्रेडिशनल फैन कंजम्पशन करता है। इसी हिसाब से अगर ईयरली देखोगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 डेज से, तो हमारा ईयरली कंजम्पशन होता है 3504 रुपीस का। ओके, सो लेट्स चेक फॉर बीएलडीसी फैन। लेट्स से आपके पास बीएलडीसी फैन है जो कि जैसे मेरा है 26 वाट का एंड इसे भी सेम आप 16 चलाते हो डेली एंड उसी हिसाब से अगर आप पर डे का यूनिट कैलकुलेट करोगे तो सिंपल हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये होता है पर डे का यूनिट कंजम्पशन 0.416। सेम 8 रुपए पर यूनिट का प्राइस है एंड अगर आप डेली प्राइस देखोगे तो ये आता है 3.3 रुपीस पर डे अगर आप 16 घंटा चलाओगे एक बीएलडीसी फैन को एंड अगर ईयरली आप देखोगे तो ये आता है कुछ 1214 रुपीस का। एक बीएलडीसी फैन एक ईयर में इतना कंजम्पशन करेगा अगर आप 8 रुपए पर यूनिट देते हो, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कितने ज्यादा है। तो अगर आप सेविंग्स देखोगे ना तो टोटल आपका ईयरली 2289 रुपीस का सेविंग्स होगा अगर आप आपके 75 वाट का फैन हटा के 26 वाट के बीएलडीसी फैन लगवा दोगे। तो लेट्स से आपके पास टोटल 4 फैंस है तो 4 फैन एक ईयर में आपको 9157 रुपीस का सेविंग्स करके दे सकता है, जिसमें मेरे तरह आप 3800 रुपए का तो दो फैन तो परचेस कर ही सकते हो, उसके बाद भी आपका कुछ पैसा बच जाएगा जिससे आप एक का एक बीएलडीसी फैन का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर सकते हो एंड उसके ऊपर भी आपका 300 रुपए बच जाएगा। एंड यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं वो 365 डेज जहाँ पर 16 आवर्स करके फैन चले हैं उसका हिसाब किए हैं। एक साल में तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ठंड के टाइम में फैन वगैरह बंद रहता है, बट अगर 365 डेज के भी हिसाब करें तो काफी फायदा होने वाला है। तो भाई क्यों कर रहे हो अपने पुराने फैन को यूज, फेंको उसे, लगाओ बीएलडीसी फैन। डिफरेंट प्राइस में बीएलडीसी फैन आते हैं, कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। आपको कौन सा लेना चाहिए कैसे पता चलेगा तो मैं आगे जो ही फैक्टर्स बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एनर्जी एफिशिएंट। जितना एनर्जी एफिशिएंट होगा उतना ही अच्छा है। 26 वाट से 35 वाट का बीएलडीसी फैन बहुत ही अच्छा होता है। जितना कम वाटेज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, उतना ही आपका पैसा बचने वाला है। कोशिश कीजिएगा कम वाटेज वाला बीएलडीसी फैन परचेस करने का। एंड द सेकंड वन इज रिमोट। भाई हर एक बीएलडीसी फैन, ज्यादातर बीएलडीसी फैन रिमोट के साथ आता है एंड दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल स्पीड। आपके यहाँ पर घर पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है उस पे नहीं कंट्रोल कर सकते हो आप बीएलडीसी फैन, उसको बाईपास करना पड़ेगा। बट कुछ सारे रेगुलेटर कंपैटिबल बीएलडीसी फैंस भी आते हैं जिसके स्पीड आप रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हो, बट आपके बीएलडीसी फैन में अगर ऐसे रिमोट का ऑप्शन है देन आप उसे रेगुलेटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप घर के लिए बीएलडीसी फैन ले रहे हो तो बेटर है रिमोट वाले बीएलडीसी फैंस ही लेना क्योंकि इसमें ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं। बट अगर आप कॉन्सर्ट हॉल या फिर क्लासरूम के लिए बीएलडीसी फैंस ले रहे हो तो
आप रेगुलेटर कंपेटेबल BLDC फैंस भी ले सकते हो। एंड कुछ सारे अच्छे BLDC फैंस में ऐप सपोर्ट भी आता है एंड रिमोट भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके का होता है। डिफरेंट स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पर ऑन ऑफ का भी बटन दिया गया है, एक ब्रीज मोड दिया गया है एंड दो टाइमर के बटन दिया गया है। यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हो, दो टाइमर है, एक 2 घंटे के लिए टाइमर है, 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा एंड सेकेंड टाइमर इज फॉर 6 आवर, 6 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्वीप साइज। ये सिर्फ BLDC फैन नहीं है, हर एक फैन के लिए ही सेम है। अपने घर के हिसाब से स्वीप साइज एक बार देख लेना। 600 mm के आप स्वीप साइज वाले फैन ले सकते हो अगर आपके रूम के साइज 30 square feet के नीचे है। 30 से 65 feet के है तो आप 900 mm के फैन लेना। 1200 mm वाले स्वीप साइज प्रेफर करना जब आपके रूम का साइज 65 से 120 square feet होगा। एंड 120 से 225 square feet है तो 1400 mm वाले स्वीप साइज लेना। ज्यादातर ये 1200 mm वाले यूज होता है, मेरे घर में भी लगा हुआ है। इससे आपके रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को ये वाला फैन परचेस करते टाइम भी मालूम नहीं था, वो है एयर डिलीवरी रेट। यही एक फैक्टर डिटरमाइन करता है कितने ज्यादा एयर सर्कुलेशन होगा आपके रूम में, कितने जल्दी आपके रूम ठंडा होने वाला है, कितने जल्दी हर कोने में एयर फ्लो होने वाला है आपके रूम पे। इसे मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर पर मिनट में एंड ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर है। बेस्ट है 245 प्लस फॉर 1200 mm फैन। एंड ये नंबर जितने कम RPM में एक फैन अचीव करेगा वो फैन उतना ही अच्छा है। ये सिर्फ BLDC फैन के लिए नहीं, सारे फैन के लिए ही लागू होता है। मस्त एकदम ठंडे ठंडे हवा मिलने वाला है। एंड एक कहावत आपने सुने होंगे, मीठी हवा, वो चीज ऐसे ही फैन में आपको मिलने वाला है। अगर ये नंबर 225 से 235 तक है तो इसे आप एक एवरेज फैन बोल सकते हो। एंड अगर ये नंबर 225 से नीचे है तो भाई ये बिलो एवरेज फैन है। जैसे ये वाला फैन है, इसका 215 cmm है, सो दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस फैन। वैसे इसका RPM है 340 RPM, जो कि अच्छे खासे है इस प्राइस रेंज में, काफी स्पीड दे देता है, फुल स्पीड में काफी अच्छे चलता है। एंड नेक्स्ट जो फीचर्स है वो थोड़ा सा अननेसेसरी फीचर्स है, बट अगर आपके BLDC फैन में है तो आप यूज कर सकते हो। ये है रिवर्स रोटेशन। इसमें क्या होता है, आपके घर पे एयर सर्कुलेशन बना रहने के लिए आप फैन चला सकते हो, बट इसमें आपको हवा नहीं मिलेगा। इसे आप सर्दी के मौसम में यूज कर सकते हो, आपको ठंड नहीं लगेगा, फैन भी चलेगा, जिससे आपका घर पे एयर सर्कुलेशन बरकरार रहने वाला। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्या क्या फायदे है BLDC फैन के। भाई बहुत सारे फायदे है, एनर्जी एफिशिएंट तो है, इसके अलावा भी और भी काफी सारे फायदे है। लाइक BLDC फैन बहुत ही लो वोल्टेज में चल सकता है। आप अगर गांव की तरफ रहते हो तो आपने एक चीज कभी ना कभी देखे होंगे, वो है लो वोल्टेज हो जाना, जिसमें फैन के ब्लेड लिटरली गिन सकते हो, बहुत ही धीमे 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 घूमता है। बट उस वोल्टेज में BLDC फैन एकदम हाई स्पीड में चल सकता है। एंड दूसरा है, आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो आप BLDC फैन लगवा सकते हो। इन्वर्टर के बैकअप 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। 6 घंटा अगर आपके इन्वर्टर चल रहा था तो BLDC फैन के साथ वो 12 घंटा चलने वाला है। बट अगर आप इन्वर्टर के साथ यूज करने वाले हो तो एक चीज ध्यान रखना, इन्वर्टर आपका प्योर साइन वेव प्रोवाइड करे। कुछ कुछ इन्वर्टर स्क्वायर वेव भी प्रोवाइड करता है, उसमें BLDC फैन खराब हो सकता है। नाउ कुछ अच्छे अच्छे प्राइस रेंज में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे BLDC फैंस बता देता हूँ। सो अंडर 3000 बजट में भी आपको अच्छे खासे BLDC फैन मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एटमबर्ग FECO अल्फा, 35 वाट का है, एयर डिलीवरी रेट है इसका 230 cmm, इसका RPM है 365। फिलहाल इसका प्राइस 2799 rupees है Amazon पे। आप फिर भी एक बार करंट प्राइस चेक कर लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट वन इज Havells ग्लेज, सेम प्राइस रेंज में आता है, 2798 rupees, ये है 30 वाट का, इसका भी एयर डिलीवरी रेट काफी अच्छा है, 225 cmm एंड RPM है इसका 350 RPM। थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ाओगे तो अंडर 4000 में बहुत ही एक बढ़िया BLDC फैन आता है, वो है एटमबर्ग के रेनेसा स्मार्ट। रेनेसा के काफी सारे मॉडल्स है, मेरे को ये वाला बेस्ट लगा। इसका वाटेज है 28 वाट फुल स्पीड में, अगर आप स्पीड बूस्ट करके चला रहे हो तो ये 35 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, विच इज लिटिल बिट हाई। फिर भी अगर इसका आप एयर डिलीवरी रेट देखोगे 235 cmm, 360 rpm। फिलहाल इसका प्राइस है 3999 rupees, लिंक इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज्यादा हाई है, मोर देन 6000 rupees, तो आपको और भी काफी अच्छे खासे फैंस मिलेंगे, लाइक Havells Stealth Air, एक 1200 mm के फैन है, थोड़ा सा हाई वोल्टेज का है, 40 वाट पावर कंज्यूमशन करता है, एयर डिलीवरी रेट इसका काफी हाई है, 245 cmm एंड ए ओनली 280 rpm में ही अचीव कर लेता है। जैसे मैंने पहले कहा, जो फैन कम RPM में ज्यादा से ज्यादा एयर डिलीवरी रेट अचीव करेगा वो फैन सबसे अच्छा होता है। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 7390 rupees ऑन Amazon, फिर भी आप एक बार करंट प्राइस चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट वन इज एटमबर्ग एरिस स्टारलाइट, ये 39 वाट का फैन है,
इसका भी एट डिलीवरी रेट 245 cmm है, 280 rpm। फिलहाल इसका प्राइस है 7,999 rupees। बट अगर आप एकदम कम वोल्टेज वाले फैन ढूंढ रहे हो लाइक 26 watt, तो बजाज की एनर्गॉन ये भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है, मैं तो यूज कर रहा हूँ। 26 watt एयर डिलीवरी रेट है 215 cmm। मैं इसका लिंक दे दूंगा, मैं तो ऑफलाइन से परचेस किया था, अब ऑनलाइन एक बार देख लेना। इतना था इस वाले वीडियो में, अगर कोई भी डाउट रहे यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। मजा आया।